फ्रेंड्स, आज अफर्मेशंस के बारे में बताने जा रही हूँ। अफर्मेशंस में इतनी पावर होती है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम अपने विश के लिए लाइंस बोलते हैं, वो सच हो जाती हैं। बट कभी कभी अफर्मेशंस सच नहीं भी हो रही हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सारा दिन अफर्मेशन दे रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी सच नहीं हुई। क्यों सच नहीं हो रही हैं? क्यों अफर्मेशंस में आप लोग क्या ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं अफर्मेशंस में कि अफर्मेशंस आपको रिज़ल्ट नहीं दे रही है? जबकि अफर्मेशंस इतनी पावरफुल होती है कि आप अपनी लाइफ को बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, सिर्फ उस विश के लिए एक अच्छा सा अफर्मेशन दे करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम अफर्मेशंस देते हैं तो क्या होता है, लोग दिन में 1 या 2 या 3 बार अपनी अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन बोल देते हैं। उससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, बोलते होंगे, ठीक है। आपने अफर्मेशन बोल दिया, लेकिन अब क्या है, उसके बावजूद जितनी बार आपने पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी विश के लिए दी है, उससे उलट होकर के आप उससे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अपनी विश के लिए सारे दिन में अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो आपके इस अफर्मेशन को फुलफ़िल होने कैसे देगा? आप हमेशा अपने आप को परखिए, सारे दिन में अपने आप को एक तरह से तौलिए कि मैंने कितनी बार अपनी विश के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दिया है और कितनी बार मैं नेगेटिव फील कर रहा था या कर रही थी अपने विश को लेकर के। कितनी बार डर आया आपके दिल में? यही तो चीज़ है। अफर्मेशंस एक संकल्प होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प हम कर लेते हैं अपनी अपनी विश के लिए। एक लाइन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा लाइन। अफर्मेशन कैसे बनाते हैं? मान लीजिए सबसे पहले कि आपकी कोई ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो उसको लेकर के एक इंटेंशन क्लियर कीजिए। सबसे पहले अपनी अपनी विश को लेकर के एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। अब उस इंटेंशन को दिमाग में रखते हुए एक सिंपल सा लाइन अपनी डेस्टिनी के लिए डिज़ाइन करेंगे। मतलब जो आपकी मंजिल है, सीधा मंजिल के बारे में सोचेंगे। आप कोई भी अफर्मेशन बनाते समय दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि ये कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा। ये 3 सवाल, कैसे, कब, क्यों, ये तीनों आप मत सोचिए, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जैसे ही आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, अपने विश के लिए कोई अफर्मेशन बोलते हैं, तो ये कब, क्यों और कैसे, ये तीनों सवाल यूनिवर्स के पास चलेगा। ये डिपार्टमेंट यूनिवर्स का है। अब यूनिवर्स इसके ऊपर अपने आप काम करेंगे कि कैसे रास्ता बनेगा, कब वो डिवाइन टाइम आपको मिलेगा और कहाँ से होगा। तो सब कुछ वहाँ के ऊपर है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सल पावर्स के नीचे आप हैं, इसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस दृढ़ संकल्प बनाना है, ये अफर्मेशन बनाना है, ओके, बहुत स्ट्रांगली। अच्छा, अफर्मेशन बोलते समय उसमें भी आपको फीलिंग्स के साथ बोलना है, इमोशंस के साथ अफर्मेशंस को बोलना है। आप जितनी बार बोलें, मैंने एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने बोला हुआ है कि आप मॉर्निंग में जैसे ही सो के उठे, तो सो के उठने के बाद हर घंटे का एक अलार्म सेट करिए जब तक रात में सोते हैं। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में 6 बजे सो के उठे हैं और रात को 9 बजे सोने जा रहे हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक के बीच का हर घंटे का अलार्म एक सेट कीजिए। जब भी अलार्म रिंग होता है, आप अपने विश के लिए जो अफर्मेशन आपने बनाई है, सिंपल सी एक लाइन, उसको एटलीस्ट 3 बार रिपीट करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में। क्यों ये मैं बोलती हूँ हर घंटे में? क्योंकि हर घंटे में या सारे दिन में जब भी नेगेटिव थॉट आया, जब भी हम थोड़ा डर गए, कुछ और डेस्परेट हो गए, तो उसके तुरंत बाद आपने अपने विश के लिए पॉजिटिव थॉट सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। तो सारा काम तो सबकॉन्शियस माइंड का है। आपने जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके उसको वो दे दिया, थॉट दे दिया, तो बस आपकी विश तो मैनिफेस्ट होनी ही है। ये सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अब अफर्मेशन हम बनाएं कैसे अपनी अपनी विशेस के लिए? बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी विश के लिए क्या लिखें, कैसे लिखें। लोग लाइंस पूछने लग जाते हैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो विश है, सबसे पहले उसको लेके अपनी इंटेंशन क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए क्या, सिंपल। अब उसी चाहत को आपको एक लाइन में लिखना है। सबसे पहले कोई भी अफर्मेशन स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका है आई एम से, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मैं क्यों ये हैप्पी एंड ग्रेटफुल बोलती हूँ? इसलिए क्योंकि जहाँ आपने हैप्पी बोला, आपने फीलिंग्स डाल दी, जहाँ आपने ग्रेटफुल बोला, आपने वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग इमोशंस डाल दिए। क्योंकि हम जब खुश होते हैं, अच्छे इमोशंस में होते हैं, तभी तो हम ग्रैटिट्यूड देते हैं। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल ब्लेस्ड, जिस भी तरह से आपको लगता है कि मैं इमोशंस डाल सकता हूँ, डाल सकती हूँ, वो डालिए। और फिर इसके बाद कंटेंट, मतलब आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। ओके, आई हैव माई ड्रीम जॉब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ये जो तीन मैजिकल वर्ड्स हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इसके साथ आप अपने अफर्मेशन को बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मैजिकल वर्ड को लगाते हैं, एक तो वो वैसे ही पावरफुल हो जाता है, दूसरा थैंक यू बोलते ही दिल में एक अलग सी खुशी आती है। उसी खुशी का, उसी फीलिंग्स का तो सबकॉन्शियस वेट कर रहा है और वही सबकॉन्शियस माइंड को हमें देना है। तो जब भी जो भी अफर्मेशंस हम बोलेंगे उसमें फीलिंग्स के साथ बोलेंगे। इसीलिए कई दफ़ा कुछ लोगों की अफर्मेशन काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आप सैड हो, रो रहे हो और उसी टाइम आप अफर्मेशन दे रहे हो, कहाँ से काम करेगी? ऐसा हो सकता है क्या? आप एक तरफ दुखी हो, नेगेटिव थॉट्स क्यों मैनिफेस्ट हो जाते हैं? इसीलिए तो हो जाते हैं क्योंकि जब नेगेटिव थॉट आया उसको आपने भरपूर इमोशन दिया और बहुत प्योर वाला इमोशन दिया। आप रोए भी दिल से, आप सैड भी हुए दिल से, डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल प्योर वाले जो इमोशंस चाहिए ना नेगेटिव थॉट को, वो सब उसको मिल गए, नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट हो गया। पॉजिटिव थॉट को मैनिफेस्ट होने में देर क्यों? क्योंकि उसको जब आपको अच्छी वाली फीलिंग देनी है, हैप्पीनेस देनी है, तो मन में दुविधा दौड़ाना शुरू कर देते हो आप लोग। अभी तो मिला ही नहीं, कैसे खुश होएं? पर होना तो पड़ेगा। जब अभी मिला नहीं तो फिर ये कौन सी गारंटी आप लोगों ने अपने मन में बना ली कि मिलेगा ही नहीं? ठीक है, मिलेगा ही नहीं के लिए तो आप रो भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसको जब इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट दे रहे हो तो अपनी पॉजिटिव थॉट को भी, पॉजिटिव अफर्मेशन को भी तो एक बार स्ट्रॉन्ग थॉट देख के कि किस मैजिक की तरह वो आपकी लाइफ में आता है। इतनी पावर अफर्मेशंस में होती हैं, लेकिन आप लोग ठीक से इस्तेमाल कीजिए अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस को लिखना शुरू कीजिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हो सके तो एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए आप लोग। ओके, और जो भी दिन भर में आपकी अफर्मेशंस हैं आपकी विश के लिए, उसको कभी भी जब भी मौका मिले एक लाइन ही तो लिखनी है, सिंपल सी। अपनी विश के लिए एक लाइन लिखिए, बंद करिए, उसको रखिए। ओके, एक्चुअली अफर्मेशंस का हर जगह काम है। आपने देखे हैं जितने भी टेक्निक्स हैं, 333 हो गया, 555, 777, आपके 369 है, ग्रैटिट्यूड जर्नल है, हर जगह आप अफर्मेशंस ही तो लिख रहे हैं। वो दृढ़ संकल्प ही तो आप हर जगह लिख रहे हैं अपनी विश के लिए, जो आपको चाहिए। आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अफर्मेशंस के थ्रू। ये अफर्मेशंस हम जितनी बार लिखते हैं उसी में से तो सबकॉन्शियस ले लेता है उसको, जब आप विद फीलिंग्स लिखते हो। सो फीलिंग्स का होना अफर्मेशंस में बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी का होना ज़रूरी है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ सारे दिन में अपने आप को बार बार आप लोग परखिए, तौलिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने थॉट्स को। ठीक है, अपने थॉट्स को हमेशा तराजू पर डाल के रखिए कि मैंने अगर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन अपनी विश के लिए इतनी बार बोला है तो मैं नेगेटिव कितनी बार हुई। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इजीली आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हो। जो हम एक टीचर होती है ना, चेक करके बताती है आपको इतने मार्क्स मिले हैं इतने में से। आपको लगता है कि मैंने तो एग्ज़ाम के लिए सारी पढ़ाई कर ली थी, सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए, फिर भी मैं पास आउट नहीं हो पाया। इसीलिए ना, क्योंकि जब वहाँ पे करेक्शंस का मामला आएगा, जब हम पेन लेके करेक्ट करने लग जाते हैं तो आपकी गलतियाँ आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे रॉन्ग थे, यहाँ पे गलत किया, यहाँ पे आपने ऐसे बोला, तो फिर कैसे मैनिफेस्ट होगा? सिंपल सी बात है। तो बस वैसे ही आप अपने चेकर, अपने एग्ज़ामिनर खुद बनिए। ओके, आप वहाँ पे अपने जो भी कितनी बार आप नेगेटिव थॉट बोल रहे हो उसको करेक्ट करते जाओ, चेक करते जाओ, उसको वहाँ से नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बोलते जाओ। पॉजिटिव थॉट्स को नेगेटिव थॉट अगर एक बार आया है तो पॉजिटिव थॉट कम से कम 10 बार आनी चाहिए उसके कंपैरिजन में। ठीक है, 1:10 का रेशियो करके चलिए प्लीज़, तभी जा कर के आप लोग सिर्फ अफर्मेशन से बहुत इजीली अपनी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। अफर्मेशंस हैज़ दैट पावर, इतनी पावर होती है अफर्मेशन में। ओके, सो बहुत सिंपल है अफर्मेशंस और ख़ुद को चेक करना। टेक्निक्स करते हो, फिर इसके बाद आप लोग बोलते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं काम करता, ये सब बकवास है, कुछ होता ही नहीं, भगवान सुनते ही नहीं। आप अपने आप को देखिए, अपने मन में झांक के देखिए एक बारी कि आप कितने अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है। राइट, आपने पढ़ाई तो कर ली लेकिन बस ऐसे ही, और जब एग्ज़ाम में उतरते हो तो सारी पढ़ाई वहाँ नज़र आ जाती है कि आपने कितनी पढ़ाई की थी। सेम यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स तो सारी लिख दी है, सब कर रहे हो, लेकिन किस इमोशंस के साथ की है, कितनी पॉजिटिविटी, कितने ट्रस्ट के साथ किया है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सक्सेस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। टेक्निक्स सब रॉकिंग हैं, टेक्निक्स सब पावरफुल हैं, बस आपके ऊपर है। सो गाइज दैट्स ऑल। अफर्मेशंस जो भी बोल रहे हैं और बोलिए, विश अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं टेक्निक्स के साथ ज़रूरी है अफर्मेशंस का बोलना, पॉजिटिविटी के साथ सारा दिन बोलना, ठीक है। अपनी अपनी विशेस के लिए प्लीज़ एक शेड्यूल बना करके आप अफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि सारे दिन नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऋषि मुनि तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम हम किसी ऐसे ध्यान मुद्रा में जा सकते हैं कि कोई नेगेटिव थॉट को हमें आकर के हमें डिस्टर्ब करने की इजाज़त ही नहीं है। तो होता है, लाइफ में आती है इस तरह की थॉट्स भी आती हैं, लेकिन हाँ, ज़रूरत उस चीज़ की है कि उस थॉट को रोका जाए। उस थॉट के बदले में हम 10 थॉट और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वाले देते हैं।